एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती करता हूँ। इस पर किसान का जिज्ञासा हुई। वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेती का स्थल, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी ज्योता और हल है, पाप विरूता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और सहजता रूपी हल की फाल और पैनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएँ देखकर भी पीछे मुँह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।